कुंभ मेला शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है, मगर उससे पहले ही अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महामंत्री पद को लेकर संतों में घमासान मच गया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरि गिरी पर आरोप लगाया और साथ ही बताया कि कुंभ मेले में पैसों की बंदरबांट करने के लिए दोबारा सन्यासी अखाड़ों के अध्यक्ष महामंत्री बनाए गए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब सन्यासी अखाड़ों के ही अध्यक्षों और महामंत्री हैं। बताया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद कुंभ में सरकार से अखाड़ों के लिए भूमि मांग रहा है, तो वहीं बाबा हठयोगी ने बताया कि अखाड़ों के पास पहले ही भूमि है और उस पर उन्होंने अपार्टमेंट खड़े कर दिए हैं। उनका सरकार से भूमि मांगना गलत है। आज तक के अखाड़ा का परिषद के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि सन्यासी का ही अध्यक्ष और सन्यासी का ही महामंत्री हो, और इससे ये जाहिर होता है कि ये सिर्फ प्रशासन के ऊपर दबाव डालने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसकी वो नरभक्षी बाघ रहता है ना, अगर मनुष्य को खाने लग जाए तो मनुष्य के ऊपर ज्यादा अटैक करता है। वही हाल हमारी वर्तमान अखाड़ा परिषद का हो गया है, क्योंकि इनको नासिक से करोड़ों रुपये मिले अखाड़ों के नाम पे, उज्जैन में करोड़ों रुपये मिले, इलाहाबाद में भी इन्होंने वही गेम खेला, और वही गेम, वही प्लान, वही योजना हरिद्वार 2021 के कुंभ में खेलने जा रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कभी जगह की मांग करते हैं। अरे भाई, जगह की मांग क्यों करते हो? खाली बैरागियों के अलावा कह ले कि बैरागी कैंप बना हुआ है, सदियों से बैरागी वहीं कुंभों में पढ़ते आ रहे हैं। बाकी उदासी हो, निर्मले हो या सन्यासी हो, इनकी सबकी अपनी छावनी है। और ऐसी परिस्थिति में अखाड़ा परिषद केवल सरकार से धन ऐंठने का काम करने लगी तो अब अखाड़ा परिषद औचित्यहीन हो गई है। ऐसी औचित्यहीन अखाड़ा परिषद को शासन प्रशासन को कोई महत्व नहीं देना चाहिए और 2021 के आने वाले कुंभ की तैयारी के लिए एक समिति गठित करना चाहिए जिसमें सभी धार्मिक और सामाजिक लोग हों, ताकि जो है अखाड़ा परिषद अपनी मोनोपोली न चला सके, गुंडागर्दी न चला सके और जनरल व्यक्ति को, जनरल साधु को उसका लाभ मिल सके, व्यवस्थाएं ठीक से हो सके, सुचारू हो सके। आपको अभी अभी कुंभ की बताई है, आपको इलाहाबाद में कुंभ हुआ और उसमें अरबों रुपया पानी की तरह बहाया गया, लेकिन देखने में आया कि कुंभ का मेला प्रारंभ हो गया लेकिन अखाड़ों तक में, आह्वान अखाड़े में भी लैट्रिन नहीं बना था। और मैं प्रशासनिक अधिकारी के पास गया तो प्रशासनिक अधिकारी का व्यवहार अच्छा नहीं था। और क्यों अच्छा नहीं था? पहले ही अखाड़ा परिषद के लोगों ने माल पानी ले लिया, जब माल पानी ले लिया तो फिर लैट्रिन बनाने